हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं SGP डिस्कवर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि IC माइक को हम कितनी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये नोकिया का ये कीपैड वाला फ़ोन को यहां पर लिया। आप कोई भी फ़ोन ले सकते हैं और इस तरीके से बहुत ही आसानी से फ़ोन के जो माइक है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसमें अच्छा होता है अगर आपके पास मैकेनिक का जो सोल्डरिंग पेस्ट या फिर जो PPD पेस्ट बोलते हैं 138 डिग्री का मिलता है, अगर आपके पास वो होता है तो यहाँ पर और भी अच्छा होता है। फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, मैंने उसको ऑर्डर किया है, जल्दी आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो माइक है ये पहले से किसी ने इसको यहाँ पर सोल्डरिंग किया हुआ है, लेकिन ये तो प्रोफेशनल तरीका नहीं हुआ ना। तो हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर माइक को सोल्डरिंग करेंगे और कितनी आसानी से कर सकते हैं वही आज आप लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहले इस माइक को हम यहाँ से खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपको जो सोल्डरिंग आयरन है उसको लेना है और इस तरह से बोर्ड को फिट करना है। देखिए थोड़ी देर में ये पिघलने लगेगा। इस तरीके में क्या होता है कि आपका दोनों हाथ फ्री रहता है, आप दोनों हाथों से ही काम कर सकते हैं। जबकि हम जब ब्लोअर से करते हैं तो एक हाथ में हमारा ब्लोअर रहता है तो एक हाथ तो पहले से ब्लॉक हो जाता है, लेकिन इस तरीके से आपका दोनों हाथ ही आपका फ्री है। आप एकदम बिल्कुल अच्छे से अलाइनमेंट करके अच्छा से यहाँ पर माइक हो या फिर कोई भी रेजिस्टेंस IC कोई कुछ भी हो ऐसे यहाँ पर सोल्डरिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपका बैक साइड है बोर्ड का वहाँ पर दूसरा कोई IC नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे की ओर अगर वहाँ पर कोई दूसरा IC या कोई कंपोनेंट होता है तो वो ख़राब हो सकता है। मतलब जिसी भी बोर्ड में आप जिस भी कंपोनेंट को आप सोल्डरिंग करना चाहते हो उसका बैक साइड में कुछ रहना नहीं चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो सकता है। देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से ये सोल्डरिंग हो गया है, एकदम बहुत ही जिससे प्रोफेशनल तरीके में हो गया। देखिए एकदम ये सोल्डरिंग हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप भी इसी तरह से जो माइक लगा होता है फ़ोन में IC माइक या फिर कोई भी कंपोनेंट जिसको आपको चेंज करना है इस तरीके से कर सकते हैं। ये तो मुझे बहुत ही आसान लगा। देखिए इसका बैक साइड में कुछ भी नहीं है इसलिए ये मुमकिन हो पाया। अगर बैक साइड में कोई कंपोनेंट या कोई IC होता है तो ऐसे मुमकिन नहीं होता। तो जहाँ पर ये मुमकिन है वहाँ पर तो हम ऐसे कर ही सकते हैं, इतना आसान तरीका है क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं और कोई दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।